रामजी व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मियां वाजम गुल और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे बहरिया इंक्लेव सेक्टर C2 एंड सेक्टर C3। तो आ जाए पहले देखते हैं सेक्टर C2। यहाँ पे करनाल के 8-10 मरला और 8 मरला के प्लॉट हैं। आ जाए दोस्तों। जी व्यूअर्स, ये है सेक्टर C2 और C3 के बीच में रोड 5C और इस पर सारे कैनाल के प्लॉट्स और घर बने हुए हैं। व्यूअर्स, अभी हम हैं लेन डी में, ठीक है। यहाँ पे सारे करनाल के प्लॉट्स हैं और जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं कि वर्किंग प्रोग्रेस है, काम लगा हुआ है बहरिया का। यहाँ पे करनाल का रेट जो करंटली चल रहा है, ठीक है, ये आज के रेट हैं। यहाँ पे है 1,50,000 से लेकर 1,65,000-1,70,000 तक। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, आप लोगों ने जाना नहीं है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे C2 के 10 मरले के प्लॉट और उसके बाद 8 मरले के प्लॉट आपको दिखाएंगे। डियर व्यूअर, जैसे कि आप मेरे फिंगर टिप पे देख सकते हैं, ये उर्दू यूनिवर्सिटी है और यहीं से फ्यूचर एक्सेस होगा बहरिया इंक्लेव का डायरेक्ट पार्क रोड पे। तो आ जाए अभी चलते हैं और देखते हैं कि बहरिया इंक्लेव C2 के 10 मरला के प्लॉट कहाँ पे हैं। डियर व्यूअर्स, अभी जिस लैंड में मैं खड़ा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये स्ट्रीट अभी बनने जा रही है, ठीक है। इसके अभी कारपेटिंग होनी है और ये जो आप लोग देख सकते हैं वो सामने जल्दी 10 मरले का बना हुआ है और ये सारे प्लॉट 10 मरले के हैं सेक्टर C2 के। फिर बस अभी मैं काम हूँ स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर C2 में। तो मेरे राइट साइड पे जो प्लॉट्स हैं ये सारे 10 मरले के प्लॉट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वंस अगेन इस टाइम मैं खड़ा हूँ रोड 5C पे। ये मेरे बैक साइड पे आप लोग ये सामने देख सकते हैं कि करनाल के और उस साइड पे 10 मरले के विलास इजी इंस्टॉलमेंट पे बनने जा रहे हैं। इनका डाउन पेमेंट है 40%। तो मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मैंने नीचे अपने कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, तो काइंडली आप लोग उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी डियर व्यूअर्स, अभी मैं खड़ा हूँ रोड 10 पे जो कि लिंक करता है सेक्टर C2 को और सेक्टर C3 को। मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि वो 8 मरले के 2 घर भी बने हुए हैं और जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वो अभी नॉन पोजीशन है।
जी डियर व्यूअर्स, इस टाइम मैं खड़ा हूँ सेक्टर C3 में। यहाँ पे सारी स्ट्रीट्स 19 अल्फाबेट्स में हैं। यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं ये सारे 10 मरला के हैं। नीचे भी कुछ प्लॉट्स हैं, वहाँ पे हमारे पास एक प्लॉट आ रहा है 10 मरले का, इंतहाई सस्ता। जिस किसी की भी ख्वाहिश हो प्लॉट लेने की तो वो काइंडली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए हुए नंबर से। अगर दोस्तों आपको दिखाते हैं मजीद स्ट्रीट्स यहाँ के कैसे बने हुए हैं और घर कैसे के बने हुए हैं। डियर व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक 10 मरले के प्लॉट पे घर बनने जा रहा है, ठीक है। इसकी ये कटिंग वाला प्लॉट है, इसकी हार्ड सरफेस आप देखें जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की ज़मीन कितनी सॉलिड है। डियर व्यूवर्स, ये सामने आप लोग देख सकते हैं ये सेक्टर C3 की जामिया मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन है। डियर व्यूवर्स, ये सारे घर 10 मरला के हैं। यहाँ पर भी C3 में भी आप लोगों को इजी इंस्टॉलमेंट पे विदाउट नो मार्कअप आपको घर मिल सकता है। और जो हमारे भाई ख्वाहिशमंद हैं कि जिनका अपना घर हो बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर, तो वो काइंडली हमसे रब्ता करें। हमने कॉन्टेक्ट नंबर्स का पहले भी बताया हुआ कि नीचे हमने अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए हैं, तो वो काइंडली मेरे से रब्ता करें। दूसरे एक है, हमें आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें और हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज वकारीब के साथ हमें शेयर करें। अच्छा डियर व्यूअर्स, ये जो सामने के घर बने हुए हैं और जो सामने के प्लॉट्स हैं ये सारे करनाल के हैं, सेक्टर C3 के। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। एक दफ़ा आखिर में फिर आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपने दोस्तों और अजीज व अकारिब के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।